बड़े प्यारे भाई जो बड़ी तवील मुसाफत के बाद हमारे पास पहुंचे, गुलशन इलाहाबाद कराची से तशरीफ लाए। जनाब अलहाज अब्दुल खालिक रहमानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्याल का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। जनाब हाजी मोहम्मद अली साहब का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी महफिल सजाई और हम जैसे नाचीज बंदों को याद किया। हम लोग 24 घंटे के सफर करके अल्हम्दुलिल्लाह कराची से बंदा नाचीज जनरल सेक्रेटरी आसिफ मोहम्मद अभी उसके साथ लियाकत भाई और मोहम्मद शकूर अब्दुल शकूर जो कि हमारे चेयरमैन साहब सदर साहब और बाकी सबसे ज़्यादा पहलवान अजगर साहब की मोहब्बतों ने हमें यहाँ तक लाया। इनका इंतहा शुक्रगुजार है कि इन्होंने हमें याद किया और इनकी ये मेहरबानियाँ हैं कि आज चिंता वाला भंडार इनकी मेहरबानी से सजा है। अल्लाह ताला इनको खुश रखे, हम सब की दुआएं इनके लिए। मैं बंदा नजीब कराची से अब्दुल खालिक रहमानी वेलफेयर कराची का सदर चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं रहमानी बरादरी पाकिस्तान के लिए कोई भी रहमानी भाई कराची आना चाहे, कोई भी काम होए, बंदा नजीब हाजिर है। जहाँ तक हो सके बंदा नजीब खिदमत करेगा। और मैं मरकजी क्यादत की थोड़ी वजह देना कराना चाहता हूँ। हम लोग कराची में और हमारे सरपरस्त आला हैं, हमारे बड़े भाई हैं शफी मोहम्मद साहब जो कि वाकशाह में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं तो सिंध में बहुत पसमानदा इलाका है और हमारी ये क्यादत सारा फोकस सारी एनर्जी इस्लामाबाद गुजरावाला अहमदाबाद और लाहौर पे लगा रही है। और इनसे खुशी गुजारिश है कि सिंध को भी देखें जहाँ के हमारी रहमानी बरादरी के कमों में 10 साल खानदान है जिनमें बहुत से ऐसे हैं कि इसके पास बहुत मसाइल हैं, बड़े राजशाही हैं और जिनमें सब लोग जानते हैं कि क्या अंदरूनी सिंध हालात हैं। तो इनसे गुजारिश है, हम दो बंदे हैं डॉक्टर शफी मोहम्मद साहब और बंदा नजीब हमारे साथ टीम में, हम कराची में और सिंध में काम कर रहे हैं, हम बहुत कम हैं और इनकी खसूसी तवज्जो चाहिए ताकि सिंध में अपनी बरादरी के लिए कुछ कर सके। तो चेयरमैन साहब को और सदर साहब को, पहलवान अजगर साहब, हाजी नवीद साहब को हमारी गुजारिश है कि ये सिंध की तरफ भी देखें ताकि सिंध में भी बरादरी के लिए कुछ कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन सैफुल्लाह जिया साहब कभी कभार हमारे पास टाइम निकालते रहते हैं, आते हैं, इनका बहुत शुक्रिया है। बाकी मरकजी क्यादत को भी हम दावत देते हैं कि कराची हमारे पास आए और नेक्स्ट प्रोग्राम हमें कराची में दें। हम भी इंशाल्लाह कराची में प्रोग्राम कराची दिखाएंगे। इस तरह 24 घंटे हमने सरफर किया, हमें भी पता चले कि हमारी बरादरी कितनी मोहब्बत करती है कराची वालों से, सिंध वालों से और कितना सफर करती है।